प्रदेश भर में डीएलएड की परीक्षाएं चली हुई हैं, परंतु कोरोना के चलते प्रदेश भर की डाइट के हॉस्टल बंद हैं, जिसकी वजह से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन प्रशिक्षकों को करना पड़ रहा है जो दूसरे जिला से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी ही समस्या जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान जुखाला के प्रशिक्षकों को सामने आ रही है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में इस समय प्रदेश भर के छात्र डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 52 प्रशिक्षकों प्रथम वर्ष में और 82 प्रशिक्षकों द्वितीय वर्ष में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में 52 शिक्षकों में 15 लड़कियां बाहरी जिलों से आई हैं, जबकि दूसरे वर्ष में 82 में से 18 लड़कियां दूसरे जिला में से हैं। कोरोना के चलते इन प्रशिक्षकों को वार्षिक परीक्षा तो शुरू कर दी गई है, लेकिन हॉस्टल खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दिए जाने के चलते बाहरी जिलों से आई लड़कियों को अपनी वार्षिक परीक्षा देने में समस्याएं पैदा हो रही हैं। हालांकि डाइट स्टाफ ने इन छात्राओं की समस्याओं को समझते हुए अपने विभाग से परीक्षा के समय हॉस्टल खोलने की मांग की है, परंतु उन्हें हॉस्टल खोलने की अनुमति नहीं मिली, जिनके बाद इन छात्राओं के सामने परीक्षा देने की समस्या पैदा हो चुकी है। डाइट के प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने इन छात्राओं की समस्या को समझते हुए इन्हें सहारा भी दिया है। उन्होंने डाइट स्टाफ के साथ बैठक की, परंतु कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने जुखाला क्षेत्र में कई लोगों से किराए पर मकान देने की बात की, परंतु कोरोना के चलते किराए पर इन्हें भी कमरे नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने जुखाला क्षेत्र में शिक्षा विभाग में तैनात अध्यापकों के साथ इस समस्या को साझा कर अपील की कि वे बाहरी जिलों से आई इन छात्राओं को अपने घरों में रहने की व्यवस्था करें, ताकि लड़कियां अपनी वार्षिक परीक्षाएं दे सके। इस सुझाव पर कई अध्यापकों ने कोरोना का हवाला देते हुए अपने घर में रखने से मना कर दिया, परंतु प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने हार नहीं मानी और लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों से इस विषय में बात करते रहे, जिसके बाद कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए और दो अध्यापकों ने इस समस्या को समझते हुए हामी भरी। वहां चार चार लड़कियों को अपने घरों में रहने और खाने की व्यवस्था कर दी और ये सब बिल्कुल निःशुल्क किया गया। बाहरी राज्यों से आई इन लड़कियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि वार्षिक परीक्षाएं होनी है और हॉस्टल बंद है, तो सबसे बड़ी समस्या थी कि वे पेपर किस तरह देंगे। उन्होंने डाइट स्टाफ से इस संदर्भ में बात की, परंतु कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अब परीक्षाएं नहीं दे पाएंगी। परंतु डाइट जुखाला के प्रधानाचार्य और स्टाफ की अथक प्रयासों के कारण ही वे अब परीक्षाएं दे पा रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें डर था कि वे एग्जाम दे पाएंगी कि नहीं, परंतु जब वे वहां गई हैं तो सारा डर दूर हो गया है। उन्होंने बताया कि जहां वे ठहरी हैं वहां उन्हें परिवार जैसा माहौल मिल रहा है और खाना रहना सब निशुल्क है। उन्होंने इन परिवारों और डाइट प्रशासन का धन्यवाद किया और आभार भी व्यक्त किया। है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में डीएलएड कर रही हूँ। यहाँ के हमें रहने की सुविधा नहीं थी, हमारे परीक्षा रहते हुए यहाँ पे तो हम हॉस्टल में रहते थे, उसकी सुविधा यहाँ पे नहीं थी। और यहाँ के जो स्थानीय स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा रहने का इंतजाम यहाँ के स्थानीय लोगों के पास करवाया है। और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ और मैं डीएड बिलासपुर जिले से कर रही हूँ। और हम हॉस्टल में रहते थे, पर हॉस्टल कोविड-19 के वजह से अभी बंद है, तो हमारे टीचर्स ने हमें इधर स्थानीय लोकल के घर ठहराया हुआ है, जिस कारण से हम परीक्षा दे पा रहे, अदरवाइज हम परीक्षा नहीं दे पाते। मेरा नाम रेखा है और मैं भटोली मल्लावर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती थी, पर अब हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, पर हॉस्टल न खुलने की वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है और हम स्थानीय लोगों के घर में रह रहे हैं, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। और हमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई उनके घर में रहने के लिए, और घर से आने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी, बस इसकी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हम आ नहीं पा रहे थे डेली। तो उस वजह से अब किसी और के रिलेटिव के घर में रह रहे हैं, जहाँ हमें परेशानियां भी हो रही हैं। बात है सर कि आपसे शेयर करूँ, आप तो फ्रेंड, जैसे कि आपको विदित है कि डीएलएड प्रशिक्षकों का जो वार्षिक परीक्षा है वो दिनांक 30/11/2020 से शुरू हुई है, जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही है। हमारे यहाँ विभिन्न जिलों से प्रशिक्षु हैं जो 52 हैं और ये अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास
जो लड़कियों का हॉस्टल है, लेकिन उस हॉस्टल को खोलने के लिए अभी तक अनुमति उस शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा नहीं मिल पाई थी प्रशासन के द्वारा। तो इसलिए हमें समस्या थी कि जो 15 प्रशिक्षु हैं उसमें गर्ल्स हैं वो फर्स्ट ईयर की हैं और 18 जो हैं वो सेकंड ईयर की हैं, तो उनकी ठहरने की बहुत बड़ी एक समस्या चुनौती थी इन COVID-19 की विकट स्थितियों में। तो हमने जो है स्थानीय जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात की, तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो 4 लड़कियाँ हैं वो सिरमौर से हैं और 2 मंडी से हैं, 1 बिलासपुर से हैं, 1 शिमला से हैं। मतलब इस तरह से 8 बच्चियों का रहने की व्यवस्था 2 जगह हमने की है। तो एक जो है माकड़ी में, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अमित जी हैं वो DP हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से और अपने सहमति दी कि हमारे पास 4 बच्चों की व्यवस्था कर दें। उनके घर पर हमने की व्यवस्था की है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा जो SOP है उसका पालन किया जा रहा है, और उनका खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था वो निःशुल्क अमरजीत जी कर रहे हैं। और इसी तरह से 4 लड़कियों की व्यवस्था जो जोगिंदरगढ़ से हैं वहाँ पर और सिरमौर से हैं बेटियाँ, इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी, तो इनकी ठहरने की व्यवस्था हमारे यहाँ स्थानीय जो हैं शिक्षक हैं लेक्चरर हैं राकेश ठाकुर जी उनके घर पर हमने की है। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और उन्हें निःशुल्क सुविधा जो है ये प्रदान की गई है। ऐसी घड़ी में कि जब COVID-19 की विकट परिस्थितियां हैं और आदमी एक दूसरे से मिलते हुए बात करते हुए कतराता है, तो ऐसे में ऐसे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरे इलाके को और इन बेटियों को यहाँ के जो प्रशिक्षु हैं उनको सहयोग किया है। धन्यवाद।